सो हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, वहाँ पर योगी जी का कार्यक्रम है, वहीं टैबलेट का वितरण होगा। लाइन लग गई है, हम लोग निकलने वाले हैं। ये पीछे बस लगी है, सीट मिल गई है, अब बस यहाँ से निकलने वाली है। सुजीत रास्ते में आपसे बात करते हैं। वाले से बस निकल गई है, ये हम लोग को लंच बॉक्स मिला है। लंच बॉक्स में सब्जी है, पूरी है और एक मीठा है और ये अचार है। यहाँ से हम लोग 6 ले लेंगे। ये है मजिस्ट्रेट की गाड़ी, अभी बताएंगे किस रूट को पकड़ना है। अब हम लोग पकड़ रहे हैं 6 लेन्स पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये है टोल प्लाजा, टोल टैक्स यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आदित्यनाथ योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर लंबा है और इस पर इमरजेंसी के समय जेट रनवे के तौर पर यूज किया जा सकता है। एक्सप्रेस वे में जाने पर तो मजा ही आ रहा है, हालांकि हम लोग की सरकारी बस है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले, सर फाइटर जेट उतरी थी। इसकी स्पीड लिमिट तो मिनिमम 80 है, लेकिन हम लोग की बस सरकारी बस स्लो चल रही है, टाइम लग सकता है पहुँचने में, थोड़ा रुकने रहेगा। देखिए रेलवे ब्रिज है, एक्सप्रेस वे साइड में बस रुकी है, सभी बच्चे उतरे हैं टॉयलेट करने के लिए, सभी बच्चे रुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपना प्लांट बैठाया हुआ है, सभी मटेरियल को तैयार कर कर यहाँ ट्रकों से ले जाया जाता है। गाइस तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बीच में इसके ऑल स्ट्रिप बनाई गई है और यहाँ पर ये बीच में डिवाइडर नहीं बना है इसको, बस ये सीमेंट का है जिसको रखा गया है, बाद में इसको हटाया जा सकता है। और यहाँ ये रनवे का काम करेगा। तो आप जहाँ ब्लैक ब्लैक लाइनिंग देख रहे हैं वहाँ पर जहाज़ उतरी थी, तो ये एक बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो इस तरह से बहुत फ़ायदा होगा, इमरजेंसी के टाइम पर इसका यूज किया जा सकता है रनवे के तौर पर। तो गाइस हम लोग की बस यहीं पर रुकी है, आप देख सकते हैं ये कितना पूरा लंबा चौड़ा यहाँ बनाया गया है। ये 3300 मीटर का ये पूरा रनवे है। यहाँ पे आगे जो रोड देख रहे हैं वो सीमेंटेड रोड है, वहाँ से रनवे स्टार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कोई डिवाइडर नहीं लगाया गया है, ये इमरजेंसी के लिए काम करेगा। अब हम लोग की बस चलने वाली है, चलते हैं बस में। अब यहाँ से ख़त्म हो गया हम लोग का यार, ये हम लोग के हेड है गाइस। शाम के बज गए हैं 4, अभी हम लोग लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर हैं। जितने बच्चे एंजॉय कर रहे थे अब सब एंजॉय करते करते सो गए, सब शांत हो गए, सबकी एनर्जी लॉस हो गई। अब सूर्य ढलने को है। अभी टोल प्लाजा स्टार्ट नहीं हुआ है, 2022 में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे टोल टैक्स। तो गाइस अब हम लोग हाईवे से उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे गाजीपुर से जिस प्रकार से चढ़े थे एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से लग रहा है यहाँ भी, लेकिन हम लोग लखनऊ आ गए हैं। बस और कुछ दूरी पर चलना है हम लोग को, बस हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ। हम लोग की ये बस रुकी है, ये है मजिस्ट्रेट सर, ये बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाना है। तो अब ये क्लियर कर रहे हैं और लंबा सफ़र रहा, अच्छे से निकल गया, थोड़ा वीडियो लंबी होगी तो बने रहिएगा ब्लॉग में। देखिए गाइस कितनी बड़ी दूध की फैक्ट्री है, ये है दूध की फैक्ट्री। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे वोडाफोन एयरटेल या जियो का सिम पोर्ट कराएं, जियो में पोर्ट कराएं, लेकिन बहुत कम जगह आप देखेंगे BSNL में कोई सिम पोर्ट कराया उसका बैनर लगा हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और बढ़ती हुई दामों में सबसे सस्ता इसमें BSNL ही है। तो अगर आपको कोई कंटिन्यू सिम अपना चालू रखना है तो उसमें आप BSNL पोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वैलिडिटी अधिक टाइम तक मिलती है। आओ लखनऊ को नंबर 1 बनाएं। यूपी पुलिस 112 की बिल्डिंग है। हम लोग इसी के अंदर आना है, तो आप देख लीजिए
स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी 50,000 है और कल यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम है और यहीं पर टैबलेट का वितरण होगा। लाइट कितना अच्छा लग रहा है। राज्य उपभोक्ता आयोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेडियम से, आगे हम लोग की व्यवस्था है वहाँ पर चलेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। आई लव लखनऊ, दुनिया देखेगी है HL इसका एरोनॉटिक्स लिमिटेड। टर्न लेने के चक्कर में इतना जाम हो गया देखिए यहाँ पे, और ये पीछे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं मात्र केवल 1 मिनट के अंदर। ये हम लोग इस समय समानता मूलक चौक पर हैं और ये स्टैचू है। गोमती नदी का पानी लग रहा है बहुत गंदा हो चुका है, इतना इसमें से महक आ रही है, पूरा ये महक रहा है दूर तक। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने जहाँ पर हम लोग रुकना है, तो हम लोग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है रुकने की। तो चलिए अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं कैसा है। ऐसा है कुछ अंदर का इंटरफेस, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा किया गया है और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। ऐसे इधर सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, देखते हैं शायद हम लोग की व्यवस्था ऊपर है। कमरा है ये, इसमें नीचे गद्दा लगा हुआ है। तो ऑल ऑफ ऑल एक बड़ा सा हॉल है, इसके अंदर हम लोग को रहना है। जो कि इतने बच्चे हैं तो इनके हीट की वजह से थोड़ा रूम और भी हीट रहेगा, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे हम लोग अपना लेकर आए थे व्यवस्था। देखिए साइड व्यू देख सकते हैं, एक तरह बड़ा सा हॉल टाइप के लिए बनाया गया है इसी सब फंक्शन के लिए कि अधिक लोग जब आएंगे तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और इधर है हम लोग का रूम, फिर सुबह यहाँ से निकलना है तो ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग की बस रुकी हुई है, सभी गर्ल्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग का इंटरव्यू लेना है अंदर। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये सब व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। और यहाँ पर अपने हैं बंदे, यहाँ पर हम लोग करेंगे अलग से सोने की व्यवस्था। ए सुजीत, सुजीत यहाँ आओ। तो हम लोग अपना जगह फिक्स कर लिए उधर पीछे, मुंह धोकर सब फ्रेश हो गए हैं, अब नाश्ते का प्लान हो रहा है। ये है कमरे का बाहर से व्यू, इसी में है हम लोग ऊपर वाले में। अब हम लोग अपने रूम से बाहर निकल कर थोड़ा आए हैं, बगल में घूमने के लिए था तो सोचते हैं कि थोड़ा घूम लिया जाए, मेला लगा हुआ था, चलिए मेला चलते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम लोग मेला में, बड़ा झूला तो ये है, इसमें इतना डर लगता है, जब ऊपर से नीचे झूला अगर आता है तो बहुत डर लगता है। मोस्ट डेंजर गेम। हमारे सुजीत सर को लेना है एक सामान, वो खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे उसकी दुकान, देखते हैं वेट करते हैं मिलेगा कहीं ना कहीं जरूर। तो गाइस अभी बात किए हैं यहाँ के लोगों से, तो अभी आज ये मेला लग रहा है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, और कल जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी का, तो ये कल से स्टार्ट होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। इसे कहते हैं सकून, आराम। गाइस इतना पॉल्यूशन है, ये कोहरा नहीं है, ये केवल पॉल्यूशन है, इतना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ये है मेन गेट, VIP गेस्ट हाउस। सो गाइज बच चुके हैं रात के 9:15, अब हम लोग का डिनर बॉक्स आ गया है, तो आपको दिखाते हैं कैसा डिनर है। ये है अपना डिनर बॉक्स, यहाँ पर है एक लड्डू सब्जी, और ये है दाल चावल है, और इसमें साथ पूड़ी है, ये सलाद है, और ये अचार है। स्टार्ट करते हैं अपना भोजन, अपना स्टार्ट करते हैं। रात के बज चुके हैं 10, सो गाइज अब हम लोग चल रहे हैं सोने। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।